हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आज हम रसम की रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम रसम को राइस, सलाद और तुअर की दाल के साथ सर्व करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम टमाटर लेंगे, टमाटर को अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर उसको बॉईल करने रखेंगे कुकर में। 2 से 3 व्हिसल आ जाए तब तक हम उसको अच्छे से बॉईल करेंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसकी ग्रेवी थिक हो। हम रसम के लिए घर का बनाया मसाला यूज़ करेंगे। इसके लिए हम काली मिर्च, सूखा धनिया, सूखी लाल मिर्च और जीरा लेंगे, और करी लीव्स लेंगे 10 से 15। उसको एक पैन में सौते करेंगे अच्छे से, उसका कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम उसको भूनते रहेंगे। हमने पहले मरी, फिर उसमें धनिया सूखा डाला है, फिर उसमें जीरा डाला है और ये लाल मिर्च। अब उसको अच्छे से भूनते रहेंगे। ये मसाला भून जाएगा तब उसका कलर बदल जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएगा और स्मेल भी आ जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। उसमें 10 से 15 करी लीव्स लिए हैं हमने, उसको भी भूनेंगे। धीमी आंच पर उसे भून लेंगे हम, ताकि मसाला जल ना जाए। ये हमारा टमाटर बॉईल होकर रेडी हो गया है। अब हम उसमें हैंडी मिक्सी में ग्रेट कर लेंगे। ये तुवर दाल ली है, उसको भी बॉईल करेंगे, रसम के साथ सर्व करेंगे उसको। दाल को हम 3 से 4 व्हिसल आ जाने तक हम उसको बॉईल करते रहेंगे। हमारा मसाला भूनकर रेडी हो गया है। अब हम उसको रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक हम उसे ठंडा होने देंगे, ताकि मिक्सी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम उसको छान लेंगे, ताकि उसके प्लास्टिक जैसी परत है वो ऊपर रह जाए और सॉफ्ट ग्रेवी आ जाए टमाटर की। उसके बीज है वो रह जाए छलनी में। अब हमारा मसाला बनकर ठंडा हो चुका है। अब हम मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मसाला बन गया है, उसको आप 6 मंथ तक एयरटाइट डिब्बे में भर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है। हमने चावल लिए हैं, उसको भी बॉईल करेंगे कुकर में रसम के साथ सर्व करने के लिए। अभी
चावल के दाने खिले खिले रहे, इसलिए हमें उसको उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालने का है, नहीं तो हमारे चावल टूट सकते हैं। उसको दो से तीन विसल आ जाए तब तक हम उसको बॉईल करेंगे। अब हम रसम का तड़का लगाएंगे। इसमें लीव्स, करी लीव्स, जीरा, सूखी मिर्च, नमक, हींग, लाल मिर्च पाउडर, एक नींबू, गार्लिक की पेस्ट, धनिए की पत्ती और उसकी टल्ली, और हमने जो मसाला बनाया था वो यूज़ करेंगे, और राई। अब हम उसका तड़का लगाएंगे। तो पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, तेल उसमें अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें तड़का लगाएंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें एक चम्मच राई डालेंगे। सूखी हुई मिर्च डालेंगे, जीरा एक चम्मच, करी लीव्स 8 से 10, रसम में करी लीव्स और हींग की बढ़िया खुशबू आती है, ये गार्लिक पेस्ट है, उसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे, रसम में हींग ज़्यादा पड़ती है। हम आधा चम्मच हींग लेंगे। हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। ये धनिया की टल्ली है, ये टल्ली से रसम में इतनी बढ़िया खुशबू और टेस्ट आता है। हमारा मसाला भूनकर रेडी हो गए है। अब हम उसको रसम में डाल देंगे। देखिए कितना बड़ा अच्छा कलर आया है उसका। अब हम उसमें हल्दी पाउडर, एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये गरम मसाला बनाया था हमने रसम का, वो 2 चम्मच डालेंगे। और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और ये एक नींबू का रस लिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा रसम बनकर रेडी हो गए है। उसको बॉईल करेंगे 5 मिनट। अब हम उसमें तुवे दाल की प्यूरी डालेंगे ताकि हमारे रसम की थिकनेस आ जाए। ये बॉईल हो चुका है और बनकर रेडी हो गया है। अब हम तुवर दाल में नमक, हल्दी पाउडर और हींग लेंगे, फिर उसको बॉईल करेंगे 5 मिनट तक। पाँच मिनट तक हम उसको गैस पर रखेंगे। रसम बॉईल हो चुका है। अब हम उसमें हरे धनिए से सर्व करेंगे, गार्निशिंग करेंगे। अब हम उसको राइस, तुअर दाल और सलाद ककड़ी का
टमाटर और अनियन का है, उसमें नींबू रखा है, उसके साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलना और शेयर तो बिल्कुल भी करिएगा। ये देखने में जितना टेम्पिंग लग रहा है उतना भी टेस्ट में लग रहा है, आप भी ट्राई कीजिएगा। बाय।